एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर हुआ है, तो सोची कि आज बढ़िया मीठी सी कोई रेसिपी शेयर किया जाए। तो आज साउथ की एक फेमस पालकी की रेसिपी शेयर करती हूँ, आइए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध का पाउडर ले लिया है, मिल्क पाउडर। अब 1.5 कप हम डाल देंगे मैदा। तो पहले मैंने 1 कप और फिर बाद में 1/2 कप डाल लिया है। तो 1/2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ले लेंगे, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर लेना है। और 1/4 कप थोड़ा सा नमक डाल के 1/4 कप हम इसमें डाल देंगे घी। तो बस अभी से हाथों की मदद से जब पूरी का आटा जैसे रेडी करते हैं वैसे इसे सॉफ्ट डो बना के हम रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसे रेडी कर लीजिए। तो देखिए ऐसे ही हमें इसे सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेना है। बस अब हम इसे क्या करेंगे, चकले में रखेंगे और इसे हाथों की मदद से अच्छे से मसल मसल के इसे सॉफ्ट कर लेंगे थोड़ा। तो गाइस, इस डिश को हमारे साउथ में पाल केक बोलते हैं, यानी कि मिल्क केक, दूध का केक। तो वहाँ पर मुझे आइडिया नहीं है, तो आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए। आप मिल्क केक बोल दीजिए, दूध का केक, या फिर मीठी बिस्किट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसे लास्ट में हम चाशनी में ही डुबो के रेडी करते हैं। ये कुछ डिफरेंट सा डिश है, बढ़िया लगता है। तो बस गाइस, इसे 2 हिस्से में काट लेंगे और 1 हिस्से पहले हम रेडी कर लेंगे। तो इसे अंदर की तरफ टक करिए, फिर इसे रोलर पिन की मदद से एक रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे। तो इसे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना और ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम में ही हमें इसे बेलना है। तो शेप की चिंता मत करिए, क्योंकि साइड से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। तो चाहिए जो साइड के जो पीसेस है ये हम बाद में दूसरी बैच में हम यूज़ कर लेंगे। तो मैं तो आज कुछ और डिश देने वाली थी, बस मेरा आज 100 सब्सक्राइबर हुआ तो मैंने सोचा कि आज एक अच्छा प्यारा सा एक मीठा डिश की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए इसे बस साइड से पूरा निकाल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल, जैसे आपको मन है आप इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो बस इसे मैं कट करके रेडी कर लूँगी। तो गाइस, जो ये प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे होंगे, तो आप ऑयल गर्म होने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई करना है। तो ऑयल को आप मीडियम फ्लेम में ही गर्म करना है, तो वहाँ ऑयल गर्म होते रहेगा तब तक हमारे ये केक भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, बस ऐसे ही हमें रेडी कर लेना है। तो बस जब तक तेल गर्म हो रहा है यहाँ पर एक चाशनी बना के हम रेडी कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कप शुगर में, शक्कर में 1.5 कप पानी डाल के थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल के इसे हम उबाल लेंगे। तो गाइस, चाशनी हमें तार वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ इसे एक मीठी सी शक्कर का जो घोल बनता है बस वैसे बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे बिस्किट या फिर मिल्क केक को डाल दिया है। इसे गोल्डन कलर आने तक का बढ़िया इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को आप क्या करिएगा, मीडियम से लो के बीच में ला के रख दीजिएगा, ना एकदम हाई में नहीं रखिएगा, ना तो जल्दी से बहुत ज़्यादा वो ब्लैक कलर नहीं लाना, डार्क कलर भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने चाशनी में थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाला, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। अगर आपको डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। तो गाइस देखिए, ये मैंने फ्राई करके यहाँ पे निकाल लिया है। तो सारे को हम छन्नी में निकाल लेंगे, इसे टिश्यू वगैरह में नहीं रखिएगा, इससे क्या होगा क्रंचीनेस चले जाता है। ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट रहता है, बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए चाशनी भी रेडी हो गया है। मैंने जितना भी फ्राई करा था केक को नीचे रखा है, ऊपर से हम इसमें से चाशनी डाल देंगे। अब आप इसको तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है, अराउंड 1 आवर के लिए इसे हमें चाशनी डाल के ऐसे ही छोड़ के रख देना है। मतलब तो ये 1 आवर के बाद में पूरा चाशनी ये बढ़िया ऑब्जर्व करके ये अच्छे से एक सॉफ्ट और क्रंची दोनों टेक्सचर में आ जाता है, बहुत ही टेस्टी। तो देखिए हमारा मिल्क केक बनके बिल्कुल रेडी है। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो हमारे साउथ की बढ़िया टेस्टी एंड बहुत ही मीठी सी एक डिश है पाल केक, तो ये आप एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आपके शहर में इस डिश को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। मुझे भी जानना है कि पाल केक को वहाँ पर क्या किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए पाल केक बन के बिल्कुल रेडी है, तो बिल्कुल आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कीटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।